अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबीनास किचन। बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो डाल रहे। कोरोना वगैरह था यहाँ, सब बहुत ज़्यादा था, तो उसके टेंशन में मैंने वीडियो वगैरह नहीं डाला। चलो अभी ईद वगैरह आ रही है और फिर लॉकडाउन भी हो रहा है, तो बच्चों वगैरह सब घर पर ही है, तो फिर नई नई स्वीट्स लेके हम बनाएंगे। आप लोग सब कैसे हो? हम लोग यहाँ पे सेफ है, आप लोग भी सब सेफ है, यही हमारा विश्वास है। चलिए आज हम यहाँ पे मलाई पेड़े बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने लिया है मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क, कोई भी कंडेंस मिल्क चल जाएगा, ये कप के हिसाब से लेंगे हम। और यहाँ पे हमने 4 स्पून दूध लिया है, वो एक्स्ट्रा है। और बादाम और काजू स्लाइस करके काट के निकाला हमने। और बटर, अगर घी है आपके पास प्योर तो वो भी चल जाएगा, 2 स्पून, 2 बड़े स्पून घी चलेगा। यहाँ मैंने बटर लिया है। अब यहाँ पे मैंने ये कप के हिसाब से 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया, उसमें मैंने 2 इलायची कूट के डाली है पीस के, वो भी उसमें मिक्स कर दिया। और कंडेंस मिल्क हम ये कप के हिसाब से 1.5 कप कंडेंस मिल्क लेंगे, छोटा कप है। और 4 स्पून दूध लिया है हमने, ठंडा वाला दूध। और 5 बादाम और 5 काजू को हमने स्लाइस करके काटा है। और एक छोटा सा पीस बटर का लेंगे हम। यहाँ पे एक नॉन स्टिक का फ्राइंग पैन रखा है गैस पे, उसको हम पहले गरम कर लेंगे, फिर हम इसमें एक छोटा पीस बटर का डाल के उसको अच्छे से पिघाल लेंगे। पहले हमारा बटर पूरा घी जैसा बन जाएगा, देखिए पूरा घी बन गया वो। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। हमने इसका फ्लेम एकदम सिम कर दिया है, बिल्कुल धीमी आंच में हमको करना है। अब हम इसमें 1.5 कप तक के कंडेंस मिल्क डाल के उसको अच्छे से मिक्स करें। घी और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स करना है। अभी देखिए वो अलग अलग है ना, तो उसका पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए घी और कंडेंस मिल्क, फिर जस्ट वो बॉईल होगा ना तब हम उसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। और बिल्कुल धीमी आँच में इसको करना है, नहीं तो झट से जल जाएगा। तो करके हम इसको धीमी आँच में ही इसको पकाएं, मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट में ये मिक्स हो जाएगा बिल्कुल। देखिए मिक्स हो गया है। अब हम उसमें वो मिल्क पाउडर जो है वो भी डाल देंगे। अब वो डाल के हम उसको धीमी आँच में ही, आँच नहीं बढ़ानी है, बस उसी आँच में हमको इसको भी मिक्स करना है। तो जैसे जैसे मिक्स होगा ना वैसे वैसे हार्ड होता रहेगा। और पूरा मिल्क पाउडर और वो पूरा मिक्सचर को हमको मिक्स करना है। देखिए ऐसा एक घोल बनेगा हार्ड। अब हम उसमें जो दूध निकाल के रखे थे वो दूध उसमें डाल देंगे। अब हमको फिर से चम्मच से उसको मिक्स करना है। चम्मच अपना एकदम हार्ड जैसा वाला चम्मच लेना है, तभी वो अच्छे से मिक्स कर सकेंगे, क्योंकि हमको हाथ तो नहीं रख सकते ना, गर्म है ना। अब ये लूज़ हो गया, अब हम इसको अच्छा टाइट करेंगे। जब तक कि ये पैन से छूट के नहीं निकलता तब तक कि हम उसको इससे डोव जैसा बनना चाहिए, थोड़ा टाइट जैसा, तब तक कि हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे धीमी आँच में। ऐसे ही मिक्स करते रहो तो वो टाइट टाइट होते रहता है जैसे, तो जैसे वो अच्छा घोल जैसा बन जाएगा ना, बस धीमी आँच में थोड़ा सा। हमने गैस ऑफ कर लिया और झट से उसको दूसरी प्लेट में निकाल लिया, नहीं तो क्या होगा, ये पैन गर्म है तो जल जाएगा। करके हम इसको दूसरे इसमें अब इसको ठंडा करने रखेंगे। 2-3 मिनट के लिए हम इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए ये ठंडा हो गया तो थोड़ा हार्ड बन गया है। अब हम इसको अच्छे से मलेंगे गरम में, धीमी गरम है वो, अभी थोड़ा सा गरम ही है वो गरम है ना, उसी में हमको इसको मल के सॉफ्ट डो बनाना है। अब इसको हमको हाथ में थोड़ा सा घी चाहिए तो लगा ले, गरम है अभी, ठंडा हो जाएगा तो फिर नहीं मल सकेंगे, फिर वो गुटलियाँ बढ़ जाएंगी उसमें। करके हमको धीमे थोड़ा गर्म में ही उसको हमको डो बनाना है।
देखिए हमारा वो डो रेडी है। हम थोड़ा सा एक पीस लेके अब इसको ऐसा गोल बना के, जितना बड़ा पेड़ा चाहिए उतना बड़ा गोल एक डोव लेके आप उसको बना सकते हैं। अब इसको फिंगर से उसको प्रेस करो और उसमें बादाम या पिस्ता या फिर काजू जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं। ऐसे रख के उसको और प्रेस कर दो, बस वो फिक्स हो जाएगा। उसमें हमारा पेड़ा रेडी, बहुत ही मज़ेदार और मलाई पेड़े बहुत ही टेस्टी है। आप सब लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़े से लेके बच्चे बच्चों तक सभी को पसंद है ये। तो आप सब लोग इसको ट्राई करके देखिए और झटपट बनने वाली रेसिपी है। 10 मिनट के अंदर हमारे मलाई पेड़े रेडी हो जाते। इतने आइटम लेने से हम 20 पेड़े तक के बना सकते और 10 मिनट के अंदर हमारे पेड़े रेडी हो जाते। आप सब लोग ज़रूर ट्राई करिए। देखिए हमारे पेड़े यहाँ पे रेडी है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।